हाय फ्रेंड्स, मिस एनएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग को पता है बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स की क्लास चलेगी, जिसमें रिलेटिविटी एंड स्टैटिक फिजिक्स यूनिट फर्स्ट चैप्टर टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, फॉर ए पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास एंड मोमेंटम पी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय। क्या होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी? आप लोग ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है। चलो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। 1/2 mv² क्या होगा हमारा आंसर? 1/2 mv² आप लोग ने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पहले से भी पढ़ा होगा। सो फ्रेंड, अगर आपको समझ में ना आए कुछ भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले चलो हम बता देते हैं यम क्या है। वैसे आप लोग को पता होगा, फिर भी हम बता देते हैं यहाँ पर यम क्या है और वी क्या है, आप लोग को पता होगा। चलो देख लेते हैं। यम इक्वल टू, यम हमारा मास है, वी हमारी वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें लगता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस। क्या है? द जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन रिलेटिविटी वेयर गिवन बाय। क्या है? आप लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए और फिर आंसर देने की कोशिश करिए। आप लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए। इसका आंसर है लॉरेंस। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन तो आप लोग को पता ही होगा। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पर भी एक क्लास डाल देंगे। नहीं पता है तो कमेंट करिए। इसका आंसर क्या होगा? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोग को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ए फोटॉन हैज ए चार्ज क्यू व्हेन एट रेस्ट, व्हेन इट एक्वायर ए वेलोसिटी सी अपॉन टू इट्स चार्ज बिकम। क्या होगा इसका चार्ज? आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसी में आंसर छिपा है आप लोग का। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। फिर से चलो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन आंसर बताता है। ए फोटॉन हैज ए चार्ज क्यू When at rest, जो कि वो रेस्ट पर है। When it, तब it acquire a velocity c upon 2. Velocity क्या है हमारी? c upon 2. Its charge become. तो चार्ज क्या होगा हमारा? चार्ज क्या होगा? आप लोग बताने की कोशिश करिए। चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। इस पर चार्ज क्यों ही होगा? क्या होगा हमारा? चार्ज क्यों होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हमें लगता है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ए बीम ऑफ लाइट मूव्स, ए बीम ऑफ लाइट मूव्स ए लॉन्ग राइट विथ स्पेस सी। क्या है स्पेस सी? इफ़ अर्थ आल्सो मूव। क्या बोल रहा है? इफ़ अर्थ आल्सो मूव ए लॉन्ग राइट विथ वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी, स्पीड भी हमारी वेलोसिटी होगी,
देन द स्पीड ऑफ बीम ऑफ रिलेटिव टू अर्थ इज, क्या रिलेशन निकलेगा? चलो हम देख लेते हैं इसमें रिलेशन क्या निकलेगा बोल रहा है। अब लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए, नहीं तो हम आंसर बता रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर क्या होगा हमारा? क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए। चलो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए बीम ऑफ लाइट मूव एलॉन्ग राइट विद स्पीड सी, इफ अर्थ आल्सो मूव एलॉन्ग राइट विद स्पीड बी, देन द स्पीड ऑफ बीम ऑफ रिलेटिव टू अर्थ इज, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आपको थ्योरी का क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि स्क्रीन पर आ चुका है। द रेस्ट मास ऑफ ए फोटॉन इज, क्या बोल रहा है? द रेस्ट ऑफ मास ए फोटॉन इज, बहुत ही जो क्वेश्चन है आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा जीरो। क्या होगा हमारा? जो कि रेस्ट पर है तो इसका आंसर जीरो होगा। क्या होगा इसका आंसर? जीरो। सो फ्रेंड हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर द मूविंग क्लॉक अपीयर टू। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर द मूविंग क्लॉक अपीयर टू, मूव कर रही है क्लॉक की तरह, तो बताइए आंसर देने की आप लोग कोशिश करिए। इसका आंसर क्या होगा? रन स्लो, वो बहुत स्लो करेगी, बहुत स्लो रन करेगी, बहुत धीरे से मूव करेगी, बहुत धीरे धीरे से। हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेस्ट मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज एम नॉट When it moves with speed 0.6 see its mass is। हमारा v इक्वल टू क्या दिया है? वेलोसिटी क्या यहाँ पर दी हुई है? 0.6 c। चलो हम इसका सॉल्व देख लेते हैं। ये हमारा मैथमेटिकल थोड़ा है, सो फ्रेंड्स चलो हम इसका सॉल्व देख लेते हैं। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा वेलोसिटी हमारी क्या है। वेलोसिटी क्या है? v इक्वल टू 0.6 c। इसमें फार्मूला लगेगा, इसमें इट्स मास, मास निकालना है। इसमें क्या निकालना है? हमें मास निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? यम इक्वल टू यम नॉट अपान वन माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर अंडर रूट। आप लोग ने फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका प्रूफ करेंगे, हम फार्मूले का प्रूफ करेंगे। सो फ्रेंड चलो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम वी इक्वल टू 0.6 सी वेलोसिटी हमारी v का वैल्यू है तो वो हम उसमें पुट कर देते हैं। चलो हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? m नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.6 सी का होल स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करने पर हमारा c से c कैंसिल हो जाएगा, 0.1 माइनस 0.36 अंडर रूट। अब 1 माइनस 0.36 को इसको माइनस कर दीजिए, हमारा कितना आएगा? यम नॉट इक्वल टू यम नॉट अपॉन 0.64 अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट हट जाएगा तो क्या होगा हमारा? यम नॉट अपॉन 0.8। अब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया है, कट कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें लगता है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 7 वाला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि स्क्रीन पर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉपलर इफेक्ट इज साउंड इज एडिशन टू रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर द सोर्स ऑफ ऑब्जर्वर ऑफ बोथ आर मूविंग। डॉपलर इफेक्ट इज लाइट डिपेंड्स ओनली ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। द रीजन फॉर दिस इज, इसमें बताना है रीजन,
क्या बताना है हमें इसमें, हमें इसमें रीजन बताना है। सो फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिए। आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए, नहीं तो हम बताएंगे। आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। चलो हम देख लेते हैं इसका आंसर, हम इसका आंसर देख लेते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हमें लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलो हम इसका आंसर देख लेते हैं। यार तुम लोग ऐसे करोगे, हम पढ़ाते पढ़ाते भूल जाते हैं और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। सो फ्रेंड, चलो स्क्रीन पर आंसर आ गया है, चलो हम इसका आंसर देख लेते हैं। इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रीजन क्या है इसका? इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज डबल ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी, इट रेस्ट ऑफ एनर्जी। देन द डायनेमिक मास ऑफ द पार्टिकल इन टर्म ऑफ रेस्ट मास एम नॉट इज, क्या है एम नॉट इज। सो फ्रेंड, आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिए, आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिए। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग ने इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3m0। क्या होगा? 3m0 इसका आंसर। सो फ्रेंड्स, हमें लगता है आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है, और वीडियो कैसी रही आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।